हमारी प्रोडक्ट एक डिफरेंट प्रोडक्ट होने वाली है, कौन सी है क्या है, तो टाइम ज़ाया किए बगैर यार प्रोडक्ट हम लोग अपनी लाते हैं, क्योंकि यार वीडियो हमें लंबी हो जाती है बातों में, तो सीधी सीधी हम अपनी प्रोडक्ट ले आते हैं। तो ये हमारी प्रोडक्ट है एक ही JBL का एयरफोन मतलब हेडफोन एंड सेकंड चैम्पियन का JBL चैम्पियन। बाय द वे ये जो है बॉक्स खुला हुआ है इसका, मैंने चेक करने के लिए इसको ओपन किया था एंड दूसरा चैम्पियन का बॉक्स बंद है। इसमें और इसमें डिफरेंस कोई नहीं है, ये JBL का लोगों के साथ आता है और ये चैम्पियन के लोगों के साथ आता है, इसलिए मैं इसको ओपन नहीं करूँगा। मार्केट में इसकी क्या प्राइस वगैरह सब कुछ वो भी बताऊँगा आपको। तो ये हमारा JBL है, इसके फ्रंट पे जो हमें दिया जाता है इसका मॉडल दिया जाता है E560BT, ठीक है। उसके साथ में हमें यहाँ पे वायरलेस ऑन एयरफोन वगैरह वगैरह दिया जाता है। उसके अलावा बैक पे अगर हम जाएँ तो JBL बाय हारमैन, बाय द वे मेरे दोस्त का एक नाम भी है हारमैन, तो भाई के पता नहीं, बाय द वे ओरिजिनल नहीं है यार, सही है कॉपी आती है, ओरिजिनल काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर 16 आवर बैटरी लाइफ दी गई है, कम्फर्ट फिट फाइबर हेडबैंड एंड डिफरेंट और चीज़ें दी गई हैं, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। बाय द वे सबको पता है यार किस तरह से ये काम किया जाता है, ब्लूटूथ का यहाँ पे लोगो दिया गया है एंड साथ में JBL की ब्रांडिंग की जाती है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स को हम इसमें से यहाँ से निकालते हैं, निकाल के JBL साइड पर, और ये हमारा बॉक्स आता है, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं आती, हमारी एक हेडफोन आता है, हेडफोन के साथ हमें यहाँ पर चार्जिंग क्लिप दी जाती है जो कि एंड्रॉयड की क्लिप है, मतलब कि सिंपल मोबाइल्स की आजकल जो आ रही है उसी चार्जर से आप इसको चार्ज कर सकते हैं, इससे डेटा केबल को आजकल बहुत लोग मतलब ये यूज़ नहीं करते। मतलब हमारे यहाँ पर हेडफोन आ रहा है भाई, तो हेडफोन हमारा आ रहा है, ओपन करते हैं। तो ये हमारे हेडफोन की फर्स्ट लुक आपको मिलती है यहाँ पर, सही है। तो ये लुक आपको जो मिलती है काफ़ी प्रीमियम लुक मिलती है, और यहाँ पर जो इसके हिंजेस हैं तो प्लास्टिक के, यहाँ पर एक ये चीज़ थोड़ी सी कहनी पड़ेगी भाई कि इसको यहाँ पे स्टील या आयरन वगैरह देना चाहिए था, ये प्लास्टिक है। तो बाय द वे प्लास्टिक काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, इतना ये भी नहीं है कि भाई ये लुक टूट जाएगा। ऊपर यहाँ पे हमें फॉर्म दिया जाता है जब हम पहनते हैं, तो कम्फर्ट के लिए हमारे फॉर्म दिया जाता है। साथ में हमें यहाँ पर JBL का एक SD कार्ड का यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है, SD कार्ड, साथ में प्ले पॉज का बटन है और साथ में वॉल्यूम अप एंड डाउन का भी है। उसके अलावा यहाँ पे हमें एक जैक दिया जाता है, जैक के साथ हमें यहाँ पर एक चार्जिंग की पोर्ट दी जाती है। तो उसके अलावा यहाँ पर हमें कलर इसका दिया जाता है, कलर के अलावा कलर कौन कौन से यहाँ पे अवेलेबल हैं यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया इस पर भी। अब यहाँ पर जैसे JBL का लोगो आ रहा है, उस तरह चैम्पियन का लोगो यहाँ पर इसका आ रहा होगा, बिल्कुल सेम एज इट इज़, यही ये चीज़ इसमें पड़ी है, लेकिन जस्ट यहाँ पे लोगो ही चेंज है और कुछ भी चेंज यहाँ पर नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर बस मेरे ख्याल से तो और कुछ चीज़ें इसमें चेंज होनी नहीं है। बात करते हैं इसकी वेयरिंग की, ठीक है। जब हम इसको पहनते हैं तो एक तो एयरफोन होते हैं मतलब कि हेडफोन होते हैं, वो नीचे से इस तरह से खुले होते हैं और आपको जो आवाज़ है वो बाहर की भी आ जाती है, बट इसको जब आप पहनते हैं ना यार बिल्कुल आपके कानों के साथ जॉइंट रहता है, मतलब कि बाहर की जो आवाज़ है वो आपको बिल्कुल सुनाई नहीं देती जब आप इसको म्यूज़िक सुनते। तो बात करते हैं इसकी म्यूज़िक की, क्योंकि मैं पर्सनल भी यूज़ करता रहा हूँ, तो खैर वो टूट चुका है, तो अब ये नया वाला मैंने मंगवाया था, तो खैर मैंने काफ़ी पहले मंगवाए थे ये दो पीसेस। तो अब इसकी रियल कीमत क्या चल रही है वो आपको मैं बताऊंगा, बल्कि मेंशन कर दूंगा। तो मैंने ये कितने में परचेज़ किए थे वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो JBL के हैं मतलब के ओरिजिनल नहीं है भाई लोग, मे भी ओरिजिनल हो सकते हैं लेकिन मुझे यकीन नहीं कि ओरिजिनल है। फर्स्ट कॉपी जिसको हम मास्टर कॉपी कहते हैं वो यहाँ पर दी जाती है। ओवरऑल यहाँ पर मेड इन चाइना कहीं पर लिखा हो तो कन्फर्म हो जाएगा, मेड इन चाइना, येस ऑफ कोर्स दिस इज़ मेड इन चाइना। ओवरऑल टाइम कितना लगा लेता है मेरे पास इसने जो मैं यूज़ करता रहा हूँ, क्योंकि ब्लूटूथ भी है वायर्ड भी है, यहाँ पे आप ऑक्स केबल लगा के अपने मोबाइल में अगर यूज़ कर सकते हो तब भी आपकी मर्ज़ी है, SD कार्ड डाल के आप यहाँ पे चला सकते हो उसको, ब्लूटूथ भी यहाँ पे गिवन दिया जाता है इसमें, तो इसको आप यहाँ से सिंपली इसको प्रेस करोगे, यहाँ पर आपका जो लाइट है ये ऑन होगी इस तरह से, ठीक है। लाइट ऑन होने के बाद आपका जो ब्लूटूथ है वो अपने मोबाइल से कनेक्ट आप करोगे आपका यहाँ पे के JBL के नाम से या फिर जो भी नाम आएगा वहाँ पे आप देख लीजिएगा, आप कनेक्ट करें। और इसकी जो वॉयस है यार
अब वॉइस के लिहाज से मेरे ख्याल से मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि अगर ये चीज़ आपको मिलती है तो आप लें। अब प्राइस टैग की बात करते हैं कि प्राइस टैग इसकी क्या है, तो मार्केट रेट इसका जो है अभी ठीक है 3,000-3,500 के आसपास पहुंच चुका है। अब मैंने कितने का लिया था, मैंने ये लिया था 1699, मतलब कि 1700 रुपीज़ में मैंने तब यह था, इससे 6-7 महीने पहले और 6-7 महीने बाद अगर आप कंपेयर करो यार यही चीज़ तो 3500 की मिल रही है, कम से कम भी है वो 2000 से ऊपर ही मिल रही है। तो अब इसमें क्वालिटीज़ कितनी आती हैं, इसमें क्वालिटीज़ इतनी कुछ क्वालिटीज़ इसमें आती हैं यार के क्योंकि मैं सस्टिस का काम करता हूँ तो मुझे आइडिया है इसमें भी बहुत सी क्वालिटीज़ आती हैं यार। अब हमें पता भी नहीं चलता यार हमें जो हमारा दुकानदार है अब वो कौन सी क्वालिटी हमें इस चीज़ में देगा। पाकिस्तानी मार्केट हमारी ऐसी हो गई है कि जो ओरिजिनल है वो ऐसे प्रिडिक्ट करता है शॉप वाला कि कॉपी जो होती है उसको ऐसे प्रिडिक्ट करता है शॉप वाला कि दिस इज़ ओरिजिनल, सही है जो हम लेकर आते हैं अच्छा चलता है। फर्स्ट कॉपी जो होती है हमारी मास्टर कॉपी जिसको कहते हैं बहुत बेहतरीन चीज़ चलती है वो, आप भी कॉपी ही लीजिएगा अगर आपको पता है कि यार ये कॉपी है। बेसिकली यार पाकिस्तान में ना चलता ही कॉपी है यार, ओरिजिनल जो है जस्ट 5% है 100 में से 95% जो है वो कॉपी है क्योंकि उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है कंपेयर टू कंपनी प्रोडक्ट। कंपनी की जो प्रोडक्ट होती है वो आपको मार्जिन थोड़ा कम देती है और जो कॉपी होती है जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा मार्जिन प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से मैक्सिमम सेलर्स जो है इन पाकिस्तान दे सेल कॉपी। एक बात हो सकती है कि आप JBL का कोई ऑफिशियल स्टोर हो, ऑफिशियल शॉप हो, वहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट ओरिजिनल मिल सकती है। ओवरऑल पाकिस्तान में आप किसी भी शॉप से ये चीज़ लेते हो तो आपको ओरिजिनल, मेरे तो पर्सनल एक्सपीरियंस 95% आपको ओरिजिनल चीज़ कभी नहीं मिलेगी इन पाकिस्तान। तो ओवरऑल एक और चीज़ भी पाकिस्तान की मार्केट में होती है कि जो कस्टमर होता है उसको सस्ती प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। जब कस्टमर को सस्ती प्रोडक्ट चाहिए तो जो शॉपकीपर होगा भाई वो ऑब्वियसली सस्ती प्रोडक्ट लाएगा, फिर क्या करे उसने भी गुजारा तो चलाना है क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो आपको पता है कि पैसे निकालते हुए मौत पड़ती है, उन्हें तकलीफ़ होती है और उन्हें चीज़ भी अच्छी चाहिए और कम कीमत में भी चाहिए। जब कम कीमत में ले जाते हैं क्योंकि वो ख़राब हो जाता है तो वो शॉपकीपर को बोल रहे हैं अरे यार इसने तो बड़ी ख़राब मुझे चीज़ दी है, इसने तो अरे भाई पैसे बढ़ाओ अच्छी चीज़ लो वो चीज़ चलेगी भी, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप जो हो पैसे बढ़ाते नहीं हो और शॉपकीपर को दो से, तो ये भी गलत। इसकी बैटरी टाइमिंग जो है तकरीबन रेगुलर मैंने 3 आवर्स का इसमें काम किया था क्योंकि वीडियो एडिटिंग करा, 3 आवर्स का काम इसमें मैंने किया था और तकरीबन इसका हुआ था 50% ऑलमोस्ट गया था, मतलब 6 घंटे इसकी बैटरी टाइमिंग है क्योंकि मैं पर्सनल यूज़ किया है, मैंने ये चीज़ बताई क्योंकि इसको मैंने कनेक्ट किया अपने लैपटॉप से और लैपटॉप से बहुत सी चीज़ें ईजी हो गई मेरे लिए, वायर्ड की जो एयरफोन आ रहे होते हैं तो उससे जान मेरी छुट्टी से और जब ये कनेक्ट हुए तो डायरेक्टली यहाँ पे ये चीज़ लग गई थी। तो यार होप्स हो कि बहुत सी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी होंगी, जो चीज़ रह गई है कमेंट बॉक्स के तरीके से पूछिएगा यार। तो होप्स हो आपकी वाली वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो खुश रहिए आबाद रहिए मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।